रामपुर के मंजरा खड़कपुर में एक सप्ताह पूर्व 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस ने आज पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस ऑनर किलिंग के मामले में कार्यवाही करते हुए मृतक युवती के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि परिजनों ने किशोरी की मौत का कारण बीमारी बताया था। जब पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की तो यह मामला हत्या का निकला। हत्या करने वाले और कोई नहीं बल्कि किशोरी के पिता और भाई ही थे जिन्होंने प्रेम संबंधों के चलते इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय किशोरी की 25 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने अचानक रात में बीमारी से मृत्यु होने की बात लोगों को बताई थी, लेकिन एक दिन पहले तक स्वस्थ युवती की अचानक मौत होना किसी की समझ में नहीं आया। लोगों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। पुलिस तक भी जानकारी पहुंची। गांव के चौकीदार मुरारी लाल की ओर से किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना दर्ज कर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर 31 जनवरी को अजीम नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी अमरीश कुमार ने टीम के साथ हत्यारोपी को रविवार को खोद में मंगल की बाजार से गिरफ्तार कर हत्या का पर्दाफाश कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी की हत्या के आरोप में उसके पिता डोरी लाल और भाई कुंवरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि बेटी के गांव में ही रहने वाले राहुल नाम के युवक से प्रेम संबंध थे। उसे काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी। इससे गाँव में हमारी बड़ी बदनामी हो रही थी। बदनामी से बचने के लिए ही उसकी दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी गई। एएसपी ने बताया कि हत्यारोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। अच्छा, रात इसके अचानक तबीयत बिगड़ी? हाँ, रात अचानक बिगड़ी। अच्छा, क्या हुआ? दस्त से आए थे? उल्टी आई थी? उल्टी दस्त भी आए। कौन से डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर नहीं दिखाया सर, पहुंच नहीं पाए ना, जैसे हम मंदिर पे ले गए। अच्छा, पहले मंदिर पे ले गए, कहाँ है मंदिर? ये मंदिर बगल के, बगल के बाद फिर हम जो है फिर बोले गए चुंगी पहुंचे चुंगी नहीं तो डॉक्टर के जा रहे थे चले गए। कल जो FIR आपने कराई थी वो किस बात की कराई थी? वो कराई थी फिर वो करे कोई बात नहीं, वो इसका दिमाग खराब है ना। किसने कहा कि इसका दिमाग खराब है? इस लड़की का दिमाग खराब है ना। तुमने कहा या पुलिस ने कहा? नहीं नहीं, फिर ऐसा दिमाग खराब था तो फिर छोड़ो, फिर इसलिए मिल गई ना गाँव में, मिल गई ना तहरीर आप देख आए थे। हाँ हाँ, तो गाँव में बैठी मिल गई। अच्छा, वो हमने फिर गुरु जी से पूछी तो बोले तुम्हारी लड़की कहीं नहीं, तुम घबरा मत, तुम्हारी लड़की गाँव में ही है। हाँ, कौन गया था? एक लड़का और था। तुम्हारा लड़का? क्या नाम है उसका? उसका राहुल। राहुल, राहुल के खिलाफ देने गए थे या राहुल देने गए थे तेरे? नहीं नहीं, वो साथ था मेरा लड़का, ये वो तो। अच्छा, किसके खिलाफ देने गए थे? मेरा लड़का था वो ना, राहुल नाम का, तो उसके चक्कर में थे हम, नहीं है हमारी लड़की कहीं गई हुई। अच्छा, लड़की हमारी कहीं गई। अच्छा हाँ, चौकी में तहरीर देने गए थे? हाँ, तो फिर दे नहीं पाए हम ना, ऐसा हुआ था। नहीं नहीं, इलाज नहीं, रात वाली बता रही, रात ले गए, रात दवाई दवाई के। कहाँ? रास्ते में तो निकल गया, ले गए रामपुर, ले गए रामपुर। रामपुर, अच्छा। ये बात तुम्हारे सही है? तुम्हारा बेटा कह रहा है कि जेठनिया लेके गए? जेठनिया अड्डे, वो तो वहाँ ले गए, वो मंदिर ले गए। वैसे किस टाइम? लगभग में ले गए हैं 3 बजे टाइम, रात में जेठनिया, ढाई 3 बजे टाइम था मंदिर ले गए पहले। हाँ, मंदिर से फिर ले गए हम रामपुर, चुंगी पे से लौट आए फिर। अच्छा, चुंगी पे प्राण निकल गए? हाँ हाँ हाँ। तो आपके साथ साथ कौन कौन लोग गए थे? बस खाली मोटरसाइकिल भी कर ली थी हम। अच्छा, कौन कौन था मोटरसाइकिल? कौन चला रहा था? दोनों बाप बेटे थे। अच्छा, ये भी था? क्या नाम तुम्हारे बेटे का? बेटे हाथ पीछे करो सर, खुलासा किया गया है, क्या मामला है सर? थाना क्षेत्र राजीव नगर में सिंगनखेड़ा एक गाँव है, वहाँ एक 14-15 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। थोड़ा नीचे देखिए, प्रथम दृष्टया जब पुलिस ने मौके पर देखा तो शव को देखने से ही लग रहा था कि इसकी गला दबा के हत्या है। परिवार वालों के न चाहने के बावजूद पुलिस ने मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया, जो हमेशा होमिसाइडल होता है। इस आधार पर पोस्टमार्टम की जांच के दौरान मुखबिर की सूचना और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के हत्थे लगी, जिसमें ये पता चला कि मृतका का भाई ही किसी से बात कर रहा है, जिसमें
स्वयं और पिता द्वारा बहन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर रहा है। उस आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो ये साक्ष्य भी मिले कि प्रेम संबंधों के चलते परिवार वाले बहुत खफा थे। उन्होंने दो लोगों से चर्चा भी की थी कि बेटी समझाने पर नहीं समझ रही, लगता है इसे अंजाम बुरा भुगतना होगा। और आक्रोश में यह घटना कारित कर देने के बाद इन लोगों ने एक दो लोगों से शेयर भी किया कि ये तो गलती हो गई। ये तथ्य जब पुलिस के पास पूरी तरह से आ गए तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में इन्होंने अपना पिता पुत्र ने जुर्म कबूल किया और माफ़ी मांगी कि हमें आक्रोश में जो सामाजिक दबाव हमारे पे था मान मर्यादा का, उसके नाते हमने ऐसी गलती कर दी है। और घटना में जो दुपट्टा उन्होंने प्रयुक्त किया था गला दबाने के लिए लड़की का, जिसे छिपा रखा था, वो भी बरामद हो गया है। मान्य न्यायालय के समक्ष दोनों अभियुक्तों को प्रस्तुत किया जा रहा है, विवेचना अतिशीघ्र पूरा करके रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दी जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।